संपूर्ण खबर को आसीबा गोप ब्लॉक रे उद्घाटन पूर्व फलक भंगा को नहीं तुम्बी तोफान देखा मिली। सूचना अनुसार गोप ब्लॉक रे वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल रे आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती प्रधान द्वारा उद्घाटन होता किंतु फलक रे गोप ब्लॉक अध्यक्ष झुनु मल्लिक नाम जेहेतु नथिला श्रीमती मल्लिक इटा द्वारा फलक को भांगी देछंती एवं परे ब्लॉक बीजेपी कर्मी सहित गोप ब्लॉक उपाध्यक्ष और बीजेडी कर्मी गोप ब्लॉक अध्यक्ष उभय गोष्ठी गंडगोल होती किसी स्थिति देखा मिली और घटनास्थल में गोप पुलिस पहुंची परिस्थिति को आयत्त को आनी तथापि एवं भी उत्तेजना लगी रही घटनास्थल में काकटपुर विधायक पहुंची घटना को तीव्र निंदा कर एभली किसी दृश्य जितेबाला देखा मिली फलक भांगे अध्यक्षा घटनास्थल में पुलिस पहुंची और पूरा स्थित को नियंत्रण को आनी गोप ब्लॉक में फलक राजनीति देखा मिली फलक भांगी ब्लॉक अध्यक्षा उद्घाटन पूर्व फलक भंगा जा एक इटा द्वारा फलक भांगी ब्लॉक अध्यक्षा कारण हो कि जेहेतु तांको नाम नथिला झुनु मल्लिक ब्लॉक अध्यक्ष झुनु मल्लिक फलक नाम नथिला जो से इटा द्वारा फलक को भांगी देछंती जो घटना को लेकिन उभय बीजेडी बीजेपी कर्मी मुहांमुही होती आरोप प्रत्यारोप देखा मिली किसी देखा मिली स्थिति को नियंत्रण आने को घटनास्थल में पुलिस पहुंची बड़ कथा कि ये घटना एवं उत्तेजना लगी रही घटनास्थल में काकटपुर विधायक पहुंची और घटना को तीव्र निंदा कर गो ब्लॉक के उद्घाटन पूर्व फलक भंगा को नहीं तुम्बी तोफान देखा मिली आम आपको स्क्रीन मध्यम दुईट दृश्य देखाऊ ये से ही दृश्य देखते फलक को केमती इटा मध्यम भांगी देते ब्लॉक अध्यक्ष ये से ही इटा और बीजेडी बीजेपी कर्मी मध्य गंडगोल दृश्य आउ गोटे पार्श्व आप देखिपे गोप ब्लॉक में फलक राजनीति को नहीं तुम्बी तोफान देखा मिली जेहेतु ब्लॉक अध्यक्ष ना नाला झुनु मल्लिक ना नुनु मल्लिक इटा द्वारा फलक को भांगी देते पर बीजेपी कर्मी गोप ब्लॉक उपाध्यक्ष बीजेडी कर्मी गोप ब्लॉक अध्यक्ष उभय गोष्ठी भितर गंडगोल होता एवं भी परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण रही हाताहाती स्थित उपजी यही किसी दृश्य देखा मिली गोप ब्लॉक में जेहेतु गोप ब्लॉक में भिसी में आज देखिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती प्रधान द्वारा उद्घाटन होता अक्षय मिश्रा मो प्रतिनिधि अच्छा बोलने अक्षय फड़क भंगा को लेकिन वर्तमान देखिए कि जोरदार तुम्बी तोफान देखा मिली राजनीति देखा मिली पूरा घटना कौन कहतु वर्तमान से स्थिति कौन रही देखो गोप ब्लॉक ओसवाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल आज उद्घाटन होपमुख्यमंत्री प्रभाती पड़ा यह उद्घाटन करते किंतु फलक उपमुख्यमंत्री ना रही विधायक ना रही किंतु एठार विशेष भाव जो ब्लॉक अध्यक्ष जो झुनु मल्लिक ना ना तेणु से एक्षिप्त हो एक इटारे से फलक को भांगा को उद्यम करते फलक किसी अंश भांगी जाइए एवं जहाँ को लेकिन सेठार एक अभावन सृष्टि होता सेठार बीजेपी कर्मी और ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक उपाध्यक्ष गोटे गोष्ठी मध्य से आप विजुअल देखुए किभली भाव से गंडगोल परिस्थित सृष्टि होता है यहाँ को लेकिन सेठार काकटपुर जी विधायक सुशांत बेहरा से सेठार उपस्थित थे ये घटना निंदा करु जेहेतु ब्लॉक अध्यक्ष रही झुनु मल्लिक से कह कथा जे से फलक ब्लॉक भितर ये कार्य कर ब्लॉक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल आज उद्घाटन हो फलक ना कहीं ना यहाँ को लेकिन अनेक तुम्बी तोफान होता है अभावन घटना देखा मिलता ब्लॉक परिसर में पूरा होहला हंगामा होता गंडगोल परिस्थिति सृष्टि होता है यहाँ को लेकिन घटनास्थल पुलिस मुतयन होते तो निश्चित भाव यह घटना को लेकिन गोटे राजनैतिक वातावरण गोटे उग्र रूप नहीं घटना तीव्र होगा लगे पुलिस घटनास्थल मुतयन होता है उपमुख्यमंत्री प्रभाती पड़ा पहुंची ब्लॉक अध्यक्ष झुनु मल्लिक आलोचना करते बुझे बुझाई घटना शांत करते कार्यक्रम की समापन होता कि गोटे गोटे झुनु मल्लिक जो दावी था जेहेतु ब्लॉक भितर कार्य कराइक राजनैतिक रूप दिखाई ब्लॉक में उपमुख्यमंत्री ना रही सुशांत बेहरा ना रही तो कहीं ब्लॉक अध्यक्ष ना रही नहीं जो घटना घटी ताको झुनु मल्लिक जो तुम्बी तोफान देखा मिलला ब्लॉक अध्यक्ष भांगी देले इटा मध्यम फलक को तो ए दिगरे भारतीय जनता पार्टी पक्ष किसी प्रतिक्रिया मिल पारी कि कहीं आम विजुअल जो देखा अक्षय कोई भाव में उभय बीजेपी बीजेडी मध्य आरोप प्रत्यारोप देखा मिली हाताहाती पर्यंत कथा गला निश्चित भाव आप देखु कि सेठे जो पिस्थित होता है कारण एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती पड़ा कौन प्रतिक्रिया देवा मना करते
କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉସ୍ମାନ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ବ୍ଲକରେ ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାର କାନ୍ତିଗୁଡ଼ା ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ଘଟଣାଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପରେ, କାରଣ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ତା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୌହାଟୀ ପୋଡ଼ା ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ଏହାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଉପର ରୂପ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତା ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଚୁନୁ ମଲ୍ଲିକକୁ କିଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଯଦି ଘଟଣା ଆଗକୁ ରହେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଉପର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ନ ରହିବା ଏବଂ ସେ ଇଟାରେ ନିଜେ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଯଦିଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳକ ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଝୁନୁ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ନାଁ ନଥିବାରୁ ନିଜେ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଖବର ପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ। बहुत भल कम करेयरमैन बहुत।